हिम्मत मत खोना क्योंकि बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना क्योंकि बहुत ही आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरी बस के नहीं उन्हें ही करके दिखाना है। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क, यानी क्या हो गया? समय एवं कार्य। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, या SSC MTS हो, या बिहार SSC हो, या SSC CGL हो, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क का आज ऐसा क्लास लेकर के आया हूँ आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब क्या करेंगे, तीनों का हम LCM लेंगे, सबसे सिंपल। जब LCM लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसका बड़ा अंक को पकड़ेंगे क्या होगा, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से क्या होगा, आप देखते कहेगा इसका आंसर ये होगा। यहाँ से क्या होगा, LCM 20 + 60, 20 × 40, उसको दोनों पूरा नहीं काट पाएगा 40 को, तो 20 + 60, तो 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, टोटल काम कितना निकल के आया यहाँ से, 60। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से टोटल काम कितना आ गया, 60। अब इसका हम कार्य क्षमता निकालेंगे पहले, तो क्या करेंगे, देखिए ए और बी दोनों मिलकर के कितना करता है, 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ से 5 काम करेगा, एक दिन में 5 काम। और देखिए यहाँ से टोटल काम 60 दिया गया है, तो बी और सी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करता है, तो 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 4 काम, 15 × 4 = 60। फिर देखिए यहाँ से सी और ए दोनों मिल करके 60 को काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में 3 काम करेगा। इसका कार्य क्षमता पता चल गया, मुझे क्या निकालना है, तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसका देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इस सबको हम पहले जोड़ेंगे एक दिन का कार्य क्षमता। एक दिन का कार्य क्षमता क्या होगा, 9 × 3 = 12, तो यानी इफिशेंसी निकल के आया एक दिन का, एक दिन का निकल के आया 5 + 4 + 3 = 12, यानी कार्य क्षमता कितना निकल के आया, 12। तो हम निकालेंगे यहाँ से, देखिए सबका एक एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे यहाँ से, देखिए दोनों मिलकर के कर रहा है, यानी 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम, बी और ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करता, बी और सी दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करता, और क्या करता है, देखिए सी और ए दोनों मिलकर के एक दिन में 3 ही काम करता। सबसे सिंपल यहाँ से निकालेंगे, इसको रखिए अभी, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी, और क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सबको जोड़ेंगे हम, यहाँ से बी प्लस क्या लिखेंगे, सी, और क्या लिखेंगे उसके बाद, सी प्लस ए बराबर, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, टोटल सबका एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, 12। अब देखिए यहाँ से दूगो ए दिया गया है, एक और एक, फिर क्या दिया गया है, दूगो बी दिया गया है, देखिए यहाँ से तो दू बी लिखेंगे, अब फिर सी कितना दिया गया है, देखिए यहाँ से दूगो दिया गया, तो क्या करेंगे, दू यहाँ से सी लिखेंगे, यहाँ टोटल एक दिन का तीनों का कार्य क्षमता निकाल लिए हैं 12। यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन दू आ रहा है तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से दू कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से 12, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 12/2 कट के कितना होगा, 6। एक दिन का कार्य क्षमता यहाँ से तीनों मिल के निकल लिए, यहाँ से तीनों को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके क्या करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा। अब देखिए यहाँ से टोटल काम कितना दिया गया है, 60, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 60/6, जब कटेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 10 × 6 = 60, यानी क्या निकल के आएगा, यहाँ से 10 दिन यहाँ से क्या लगेगा इस सब को काम करने में, यानी जब ए बी और सी जब तीनों मिल करके काम करेगा तो उसको लगेगा 10 दिन, क्या लगेगा उसको, तो इस वाट के जगह पर कितना होगा, 10 डेज, यहाँ से 10 दिन में कार्य को क्या करेगा, समाप्त कर देगा तीनों मिल करके पूरा 60 काम को। अब वीडियो कैसा लग रहा है आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ से जब वीडियो शूट करने के लिए चलते हैं तो रोड पर कितना गाड़ी इधर से उधर आ रहा जा रही है, क्या होता है ये, उस समस्या को मुझे भी सामना करना पड़ता है और आपको भी सामना करना पड़ता है। आप लोगों से गुजारिश करेंगे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
हाँ तो सुनिए, आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, यह वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।